हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी साउथ की। इससे पहले हमने पल्लव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया, चोल डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया, फाइनली आज चालुक्य डायनेस्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमारी जो इंडियन डायनेस्टी हैं सब फिनिश हो जाएंगी, और इसके बाद बचेंगे फॉरेन इन्वेजन्स। तो फॉरेन इन्वेजन्स में शक, कुषाण और हूण, उनके बारे में एक एक लेक्चर और आएंगे, मतलब इसके बाद 3 लेक्चर और आएंगे। तो टोटल 25 लेक्चर्स के अंदर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने इतने ज़्यादा लेक्चर क्यों कर दिए, तो देखो अगर हिस्ट्री को समझना है तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। अगर मैं शॉर्ट में अगर इनको करना होता तो ये 5-10 लेक्चर्स में ही खत्म हो जाते हैं, जितने अपने बुक में दे रखा है, ठीक है। तो अगर चीज़ों को ढंग से समझना है तो थोड़े लेक्चर बड़े हो जाते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। आई एम श्योर ये लेक्चर्स आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो एनीवे शुरुआत करते हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो हमें अब आपको बताइए, ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे, बेसिक के बाद फिर अपना बुक वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो बेसिक में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ये आप मैप में देख सकते हो, ये है चालुक्य डायनेस्टी, ये है पल्लव डायनेस्टी और ये है हर्षा एम्पायर। मतलब अगर देखना चाहो चालुक्य डायनेस्टी को, अगर देखो तो इसके नॉर्थ की साइड में कौन रूल कर रहा है, हर्षा एम्पायर रूल कर रहा है। आपको पता है गुप्ता डायनेस्टी के बाद एक जो बेजर डायनेस्टी नॉर्थ में रूल करने आई थी वो थी हर्षा एम्पायर, जिसमें मतलब आपने सुन हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, और जिनकी कैपिटल हुआ करती थी थानेश्वर। फिर बीच में ये थी चालुक्य डायनेस्टी और इनके नीचे थे पल्लव, ध्यान रखना। तो चालुक्य डायनेस्टी एक तरह से इन दोनों के बीच में है, किस किस के बीच में, साउथ में पल्लव, ऊपर हर्षा डायनेस्टी के बीच में, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी भी बहुत ही बड़े एरिया पर रूल कर रही थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और मैप है, ये साउथ में आप देख सकते हो नीचे रूल कर रहे हैं पल्लवाज, चेराज, पांड्याज, यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी, ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो है चालुक्य डायनेस्टी की है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एम्पायर ऑफ हर्षा, इधर प्रतिहार आते हैं इनके बाद, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो कुल मिला के आप ध्यान रखना, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो कि कर्नाटक में आता है, यहाँ पे रूल कर रही थी चालुक्य डायनेस्टी, और चालुक्यों की कैपिटल हुआ करती थी बादामी। चालुक्यों की कैपिटल क्या हुआ करती थी, वादांगी। एक और चालुक्य डायनेस्टी इधर रूल करती थी जिसका नाम था चालुक्याज ऑफ वेंगी, चालुक्याज ऑफ वेंगी, जिनकी कैपिटल वेंगी हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स में बैक में जाओ तो आपको पता है साउथ में डेक्कन वाले एरिया में पहले एक सातवाहन डायनेस्टी रूल हुआ किया करती थी, जिसमें हमने गौतम पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ा था। फिर इनके डिक्लाइन के बाद क्या आते हैं, वाकाटकाज आते हैं, यहाँ पे वाकाटकाज रूल करते हैं, और वाकाटकाज के बाद यहाँ पर आ जाते हैं चालुक्याज ऑफ बादामी। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, इस वाले एरिया में पूरे में रूल कर रहे थे चालुक्याज, ठीक है। तो चालुक्याज ऑफ बादामी की अगर बात करें तो ये सारे रूलर्स यहाँ पर दिखा रखे हैं चालुक्याज ऑफ बादामी के। इनका जो रियल फाउंडर है, वैसे तो ये रियल फाउंडर इनका जो बताया जाता है, वो बताया जाता है पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट को रियल फाउंडर माना जाता है, किसका, चालुक्याज ऑफ बादामी वाली डायनेस्टी का, ठीक है। इनसे पहले भी थे, जैसे जयसिम्हा थे, राणा रागा था, तो ये अर्ली है, अर्ली अर्ली चालुक्य आ जाए। तो मतलब जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, और ये जो या हम कहें तो रियल जो फाउंडर हैं इनके, रियल फाउंडर माना जाता है किसको, पुलकेशिन फर्स्ट को, ठीक है। तो ये सारे के सारे रूलर्स की लिस्ट है, तो इनके नाम आप देख सकते हो एक बार, पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्ति वर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन सेकेंड, आदित्य वर्मन, अभिनव आदित्य, चंद्रादित्य, विजय भट्टिका, विक्रमादित्य फर्स्ट, विनय आदित्य, विजय आदित्य, विक्रमादित्य सेकंड, कीर्ति वर्मन सेकंड। तो यहाँ पर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो चालुक्य ऑफ बादामी, इस डायनेस्टी के जो मैंने बताया था अभी रियल फाउंडर किसको कहा जाता है, पुलकेशिन फर्स्ट को, और इनके लास्ट रूलर हैं कीर्ति वर्मन सेकंड, जिन्होंने रूल किया था 746 से 753 के बीच में। और इस डायनेस्टी का पतन किसने किया था, ये भी मैं आपको बता दूँ, इस डायनेस्टी का पतन किया था राष्ट्रकूटाज ने, ठीक है। आपको पता है यहीं डेक्कन वाले एरिया में ही, मैंने इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो देख लेना आप, राष्ट्रकूटा गुर्जर प्रतिहार और पालों के बारे में जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चलता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो राष्ट्रकूटाज के जो फाउंडर थे जिनका नाम था दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने क्या किया था, कीर्ति वर्मन को, कीर्ति वर्मन सेकंड को डिफीट करके एक नई डायनेस्टी का फाउंडेशन लेके आया था जिसका नाम था राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। और जो राष्ट्रकूट थे इनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, मतलब इनके सामंत हुआ करते थे, चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे, और जैसे ये वीक पड़े, जिनकी मतलब कमजोर पड़े, तुरंत मौके का फायदा उठाकर दंती दुर्ग ने इसको, कीर्ति वर्मन को डिफीट किया और नई डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे चालुक्य और भी दिखा रखे हैं, ये चालुक्य आज ऑफ कल्याणी है, ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ,
चालुक्य ऑफ बादामी को फिनिश करके आती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी को फिनिश करके फिर दोबारा चालुक्यों की एक नई ब्रांच जन्म लेती है जिसका नाम है चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, ये चीज आप ध्यान रखना। तो जो चालुक्य जो कल्याणी है उसको फाउंड किया था तेलपा सेकंड ने फाउंड किया था चालुक्य जो कल्याणी को। और तेलपा सेकंड ने किसको डिफीट करके किया था, ये डिफीट किया था उन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी को, डिफीट करके एक नई डायनेस्टी बनाई, वेस्टर्न चालुक्याज कह सकते हो या इनको बोल सकते हो चालुक्य जो कल्याणी। तो इनके भी ये रूलर्स दिखा रखे हैं, तेलपा सेकंड, सत्रासरे विक्रमादित्य 5, जयसिम्हा, सोमेश्वर 1, सोमेश्वर 2, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3, और जगत कमल्ला 2, तेलप्पा 3, और जगदे कैमल्ला 3, सोमेश्वरा 4। ये सारे जो रूलर्स दिखा रखे हैं ये हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी के रूलर्स। एक है चालुक्याज ऑफ वेंगी, ये सारी जो लिस्ट दिखा रखी है चालुक्याज ऑफ वेंगी की है, ठीक है। तो हालांकि हमें इतना सारा ध्यान नहीं रखना, अपने सिलेबस में कुछ नहीं है, बस एक बार आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पर एक बार समरी मैंने लिख दी है पूरी की पूरी, जो चालुक्य हैं उनको 3 ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं, पहले हैं चालुक्याज ऑफ बादामी, दूसरे हैं चालुक्याज ऑफ वेंगी, और तीसरे हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेसिक्स हमारे दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो इनकी जो मेन ब्रांच है चालुक्यों की, जो जड़ है, जो रूट है, वो है चालुक्याज ऑफ बादामी। इसको फाउंड किया था पुलकेशिन 1 ने फाउंड किया था। इसके लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन 2, जिसको डिफीट किया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर दंती दुर्ग ने, और इस डायनेस्टी का खत्म, खेल खत्म कर दिया। किस तो चालुक्याज ऑफ बादामी का खेल खत्म किसने किया, राष्ट्रकूट राज ने किया, और राष्ट्रकूट राज में किसने किया था, दंती दुर्ग ने, और इनका लास्ट रूलर कौन था इस, और चालुक्य ऑफ बादामी का लास्ट रूलर था कीर्तिवर्मन 2, और फाउंडर थे पुलकेशिन 1। ओके, फिर हम बात करते हैं चालुक्याज ऑफ वेंगी। चालुक्याज ऑफ वेंगी क्या है, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रूल करते थे, ये रूल करते थे कर्नाटक वाला जो मेन रीजन है वहां पर रूल करते थे। तो चालुक्याज ऑफ वेंगी पहला रीजन इनका आंध्र प्रदेश वाला है, ठीक है। तो चालुक्याज ऑफ बादामी के एक रूलर थे पुलकेशिन द्वितीय, जो कि बहुत ही महान, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर थे। उन्होंने क्या किया था, वेंगी वाले एरिया को, वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में, उस वाले एरिया को अब पल्लवों से ऑक्यूपाई कर लिया था, ऑक्यूपाई करके अपने भाई जिनका नाम था विष्णुवर्धन को दे दिया था, ठीक है। तो विष्णुवर्धन को वेंगी वाले एरिया को दे दिया और वहाँ का उनको गवर्नर बना दिया। जैसे ही पुलकेशिन 2 की डेथ होती है, तो उसी डेथ के बाद, पुलकेशिन 2 की डेथ के बाद विष्णुवर्धन अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, किससे, चालुक्याज ऑफ बादामी से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, और एक नई डायनेस्टी का फाउंडेशन हो जाता है जिसका नाम है चालुक्याज ऑफ वेंगी। ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। तीसरी डायनेस्टी है चालुक्याज ऑफ कल्याणी, तीसरी ब्रांच है, सॉरी, चालुक्याज की तीसरी ब्रांच है चालुक्याज ऑफ कल्याणी, मैंने अभी जस्ट बताया था। चालुक्याज ऑफ बादामी को फिनिश किया था राष्ट्रकूटाज ने, राष्ट्रकूटाज ने फिनिश किया, और राष्ट्रकूटाज को फिनिश किया था चालुक्याज ऑफ कल्याणी ने, ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। तो राष्ट्र चालुक्याज ऑफ बादामी को फिनिश करके एक डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है जिसका नाम है चालुक्याज ऑफ कल्याणी। इसको एस्टेब्लिश किया था तेलपा सेकंड ने, इसको तेलपा सेकंड ने इसको फाउंड किया था आफ्टर डिफीटिंग दी राष्ट्रकूटाज। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बीच में एक पावर ओवर आ रही है राष्ट्रकूटाज, तो राष्ट्रकूटाज हमें ध्यान रखना है, पढ़ लेना एक बार, मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया इसके बारे में, ठीक है। और ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था पल्लव डायनेस्टी के बारे में, इधर पल्लवाज हैं और इधर चालुक्याज ऑफ बादामी हैं। तो पल्लवाज के जो रियल फाउंडर हैं उनको शिव विष्णु बोला जाता है, उनके बाद आते हैं महेंद्रवर्मन 1, ध्यान रखना। पुलकेशिन 2 जो चालुक्य रूलर थे उन्होंने महेंद्रवर्मन 1 को डिफीट किया था। इसके बाद महेंद्रवर्मन 1 के बेटे आते हैं नरसिंहवर्मन 1, उन्होंने अपने पिता की हार का बदला किसको डिफीट करके लिया, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, तीन तीन बार हराया, और साथ ही साथ में चालुक्यों की कैपिटल वातापी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इसलिए नरसिंहवर्मन 1 को कहा जाता है वातापी कोंडा, और हम कह सकते हैं पल्लव डायनेस्टी के बहुत ही महान रूलर नरसिंहवर्मन 1, ठीक है। अब पुलकेशिन 2 के पुत्र होते हैं विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य को अपने पिता की हार का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, नरसिंहवर्मन के बाद जो रूलर आते हैं महेंद्रवर्मन को डिफीट किया और मार दिया, ठीक है, साथ डिफीट किया और उनको मार भी दिया। और विक्रमादित्य 1 कौन थे, सन ऑफ पुलकेशिन 2, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा बैकग्राउंड में पता होना चाहिए, और एक बार देख लेना इस डायनेस्टी को पढ़ने से पहले पुलकेशिन डायनेस्टी भी देख लेना, वहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी।
तो मेन रूलर्स यहाँ पे देख सकते हो, पुलकेशिन फर्स्ट जो कि रियल फाउंडर है, उसके बाद कीर्ति वर्मन फर्स्ट, मंगलेश, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड और कीर्ति वर्मन सेकंड। तो इनके जो लास्ट रूलर है वो है कीर्ति वर्मन सेकंड, और इनके जो फाउंडर है वो है पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है। और कीर्ति वर्मन सेकंड को डिफीट किया था दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग ने इनको डिफीट करके एक नई डायनेस्टी बनाई थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में एक बेसिक्स और देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ी आसान लगेगी। तो चालुक्य डायनेस्टी को फाउंड किया था पुलकेशिन फर्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट चालुक्य आजाओ बादामी, ध्यान रखना वी आर टॉकिंग अबाउट चालुक्य आजाओ बादामी। बाकी मैंने सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी है। इनके पास बहुत ही ग्रेट मेरीटाइम पावर थी, समुद्री सेना थी बहुत ही, इनकी जो कैपिटल थी वो थी बातापी, आज की डेट में इसको बोलते हैं बादामी, बादामी कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। और इस डायनेस्टी को कई बार हम वेस्टर्न चालुक्य आज के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में देखते हैं, तो इनका ये डेट आपको सिर्फ माइंड में रखनी है कि कब की हम बात कर रहे हैं, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ये माइंड में आपका होना चाहिए कि हम कब की बात कर रहे हैं। तो पुलकेशिन फर्स्ट फाउंडर हैं, किसके फाउंडर हैं, चालुक्य डायनेस्टी के, कैपिटल इनकी बाथापी हुआ करती थी जो कि कर्नाटक में, इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया था। इसके बाद आते हैं कीर्ति वर्मन, तो ये हैं पुलकेशिन फर्स्ट के बेटे हैं। इसके बाद फिर एक मौन और महान रूलर हैं मंगलेश, मंगलेश ध्यान रखना, ये भाई थी ब्रदर ऑफ कीर्ति वर्मन, कीर्ति वर्धन वर्मन के पिता भाई साहब थे, ब्रदर मतलब भैया थे, किसके भाई थे, कीर्ति वर्मन के। और ये भाई थी अंकल ऑफ पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड के ये अंकल हुआ करते थे। उसके बाद जैसे ही मतलब क्या होता है, कीर्ति वर्मन के बाद, कीर्ति वर्मन के बाद क्या हो जाता है, एक बैटल स्टार्ट हो जाता है कि अब कौन आपस में, सक्सेशन बैटल, या हम कह सकते हैं सक्सेशन वार, कि अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा। कुछ समय के लिए मंगलेश बन जाते हैं, मगर बाद में मंगलेश को डिफीट करके पुलकेशिन सेकंड रूलर बन जाते हैं, चालुक्य रूलर, यह चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मंगलेश कौन थे, ही वाज द ब्रदर ऑफ कीर्ति वर्मन एज वेल एज अंकल ऑफ पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड इस डायनेस्टी के सबसे महान रूलर, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हैं, इस डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल और फेमस रूलर हैं, किस डायनेस्टी के, चालुक्य आजाओ बादामी, ठीक है। इनके दरबार में एक पोएट थे जिसका नाम था रवि कीर्ति, ध्यान रखना। इन्होंने हर्षवर्धन, ध्यान रखना जब मैंने हर्षवर्धन डायनेस्टी बढ़ाई थी, वर्धन डायनेस्टी बढ़ाई थी, पुष्यभूति डायनेस्टी बढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया था हर्षवर्धन ने साउथ में जाने की कोशिश की, तो साउथ में इनको रोका था, किसने रोका था, पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। और पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में बैटल होता है ऑन दी बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, यहाँ पर हर्षवर्धन को रोक दिया जाता है और हर्षवर्धन की बहुत बुरी तरह हार होती है, हर्षवर्धन को वापस जाना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था कहाँ पर, नर्मदा रिवर के किनारे पर। साथ के साथ में पुलकेशिन सेकंड ने एक टाइटल अडॉप्ट किया जिसका टाइटल का नाम है दक्षिण पाथेश्वर, दक्षिण पाथेश्वर का मतलब है लॉर्ड ऑफ कलिंग, नहीं लॉर्ड ऑफ साउथ आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना लॉर्ड ऑफ साउथ, मिस्टेक आ रही है हर लेक्चर में, कोई बात नहीं। तो दक्षिण पाटेश्वर का मतलब है लॉर्ड ऑफ साउथ, साउथ के लॉर्ड, ठीक है, दक्षिण पाटेश्वर, ओके। और इनके टाइम पर हैंस्यांग, चाइनीज एक पिलग्रिम था जिसका नाम था हैंस्यांग, हैंस्यांग ने विजिट किया था, ध्यान रखना। और हैंस्यांग उसी के टाइम पर भी आया था, अरसा के टाइम पर वहाँ भी विजिट किया था और यहाँ भी विजिट किया था, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। साथ के साथ में पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट को भी डिफीट किया था, मगर महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बदला कौन लेता है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को डिफीट कर दिया, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके बाद है विक्रमादित्य सेकंड, बाकी और भी बीच में मैं मेन मेन रूलर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बातापी डायनेस्टी जो थी, चालुक्यों की जो बादामी डायनेस्टी, वो इनके टाइम पर पीक पर थी, इन्होंने पल्लव किंग नंदी वर्मन सेकंड को डिफीट किया था, ठीक है। इसके बाद है कीर्ति वर्मन सेकंड, तो लास्ट रूलर हैं चालुक्य डायनेस्टी के, इनको डिफीट किया था दंती दुर्ग ने, और दंती दुर्ग फाउंडर थे कौन सी डायनेस्टी के, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, ध्यान रखना। दंती दुर्ग इनके फ्यूडेटरीज थे, सामंत थे, मगर जैसे ही ये कमजोर हुए तो मौके का फायदा उठा के इन्होंने डिफीट कर दिया, और 757 में चालुक्य डायनेस्टी का जो रूल था बिल्कुल खत्म हो गया। कौन सी डायनेस्टी, चालुक्यों की बादामी जो ब्रांच थी उसका रूल खत्म हो गया। इसके बाद इनकी जगह पर आ जाती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब हम अपनी बुक में जो दे रखा है उसकी शुरुआत करते हैं, क्या क्या है, आई एम श्योर अब तक का आपको समझ में आएगा और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चालुक्य डायनेस्टी अपनी जो बुक में दे रखा है वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप तो मैंने बताई दिया कई बार, यहाँ पर पल्लव रूल कर रहे हैं, पल्लवों के ऊपर चालुक्य रूल कर रहे हैं, नीचे पल्लव रूल कर रहे हैं, ऊपर चालुक्य रूल कर रहे हैं, नीचे पल्लव रूल कर रहे हैं, पल्लवों की कैपिटल कांची है, इधर कौन रूल कर रहे थे, चालुक्य रूल कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक रूल कर रहे थे, नर्मदा से लेके कावेरी रिवर, नर्मदा से लेकर कावेरी रिवर इसके बीच में जो एरिया था यहाँ पर रूल करते थे चालुक्य आज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चालुक्य एम्पायर, नीचे पल्लवाज, पांड्याज,
कंगाज, ठीक है, ये मैप में कई बार दिखा चुका हूँ और आप इनको वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। तो चालुक्य डायनेस्टी फाउंडर, इनके जो रियल फाउंडर माना जाता है वो पुलकेशिन फर्स्ट को माना जाता है। पुलकेशिन फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। इन्होंने रूल कब से कब कब तक किया था, 550 AD से 757 AD तक इन्होंने रूल किया था। और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर मैंने बताए थे कौन थे, कीर्तिवर्मन सेकेंड थे, जिसको डिफीट करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। इनके रूलर्स की बात करें तो मैं स्टार्टिंग में सारे रूलर्स आपको बता दिए हैं, फिर भी एक बार और आप नाम देख लो इनके, पुलकेशिन फर्स्ट इसके जो रियल फाउंडर हैं, इसके बाद कीर्तिवर्मन फर्स्ट, मंगलेश, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड और कीर्तिवर्मन सेकंड इसके लास्ट रूलर हैं, ठीक है। इसके बाद है पुलकेशिन सेकंड, इस डायनेस्टी के मोस्ट फेमस रूलर हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर हैं, जिन्होंने थ्रोन को ऑक्यूपाई किया था 608 में, गद्दी को मतलब गद्दी पर बैठे थे 608 AD में, और साथ ही साथ में इन्होंने अपने एम्पायर को नर्मदा रिवर से लेकर कावेरी रिवर तक एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, ये है नर्मदा रिवर और ये है कावेरी रिवर, तो इस एरिया में अपना एम्पायर एक्सटेंड कर दिया था किसने, पुलकेशिन सेकंड ने, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल रूलर थे पुलकेशिन सेकंड। इन्होंने साथ के साथ में पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट को डिफीट किया था, और साथ के साथ में इन्होंने वर्धन डायनेस्टी के रूलर हर्षवर्धन को भी डिफीट किया था नर्मदा रिवर पर। जब हर्षवर्धन अपना साउथ में एक्सपीडिशन कर रहे थे, साउथ में अभियान चला रहे थे, तो साउथ में इनको रोका था पुलकेशिन सेकंड ने और बुरी तरह से हराया और वापस भेज दिया। पुलकेशिन सेकंड की डिफीट होती है किसके साथ, ध्यान रखना, पुलकेशिन सेकंड पहली बार में तो पल्लवों को हरा देते हैं, मगर जब दूसरी बार हराने जाते हैं या दूसरी बार युद्ध लड़ते हैं तो उस समय महेंद्र वर्मन नहीं थे, उस समय रूल कर रहे थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट इनको बुरी तरह हराते हैं 642 AD में, ठीक है। उसके बाद फिर है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने दोबारा से चालुक्यों की खोई हुई ग्लोरी को दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं, खोई हुई पहचान को वापस दिलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने राष्ट्रकूटों को डिफीट किया, ध्यान रखना, इन्होंने राष्ट्रकूटों को डिफीट किया था 973 AD में डिफीट किया था, और एक नई डायनेस्टी का फाउंडेशन ले गया था जिसका नाम है चालुक्याज ऑफ कल्याणी, और कल्याणी को अपनी कैपिटल बनाया। और जो चालुक्य कल्याणी जो डायनेस्टी है, चालुक्यों की जो कल्याणी डायनेस्टी है, इन्होंने रूल किया था 973 से लेकर 1200 AD के बीच में इन्होंने रूल किया था, ठीक है। चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी रिमेंड इन कंफ्लिक्ट विद चोला किंग्स, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर मैंने बताया था, जैसे ही राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एंड हुआ तो एक नई डायनेस्टी आती है, उस डायनेस्टी का नाम है चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी या चालुक्याज ऑफ कल्याणी। इनका हमेशा कंफ्लिक्ट चलता रहता था चोला किंग्स के साथ, चोला किंग्स और चालुक्यों में लड़ाई चलती रहती थी। तो एक चोला किंग थे जिसका नाम था राजाधिराज, राजाधिराज ने चालुक्य किंग 1700 को डिफीट किया था। मैंने अभी जब रूलर्स की लिस्ट बताई थी तो उसमें एक था 1700, जो मतलब चालुक्याज ऑफ कल्याणी में, तो 1700 को डिफीट किया था किसने, चालुक्य किंग राजाधिराज ने। फिर एक चालुक्य किंग थे, अब यहाँ पे एक बैटल होता है, इसके बाद एक बैटल होता है, एक बैटल का नाम है बैटल ऑफ कोप्पम। बैटल ऑफ कोप्पम होता है चोला और चालुक्याज के बीच में। तो इनिशियली बैटल ऑफ कोप्पम में क्या होता है, सोमेश्वर फर्स्ट डिफीट कर देते हैं किसको, राजाधिराज। सोमेश्वर फर्स्ट कौन है, चालुक्य किंग है, ये डिफीट कर देते हैं चोला रूलर राजाधिराज को, डिफीट कर देते हैं इन द बैटल ऑफ कोप्पम। आगे की इसमें जानकारी दे नहीं रखी है, मगर मैं आपको बता देता हूँ इनिशियली क्या हुआ था। सोमेश्वर फर्स्ट ने चोला रूलर राजाधिराज को डिफीट किया, ठीक है, कहाँ पर डिफीट किया था, बैटल ऑफ कोप्पम में। इसके बाद दूसरे एक चोला रूलर आते हैं राजेंद्र, वो फिर इनको डिफीट कर देते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फाइनली जो बैटल ऑफ कोप्पम है उसके विनर कौन है, चोला किंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बुक में इतना दे नहीं रखा है, तो आप इतना ध्यान रखो, चालुक्य किंग सोमेश्वर फर्स्ट ने चोला रूलर राजाधिराज को डिफीट किया था, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ कोप्पम में, ठीक है, साउथ में। मगर राजाधिराज ने एक रूलर थे चालुक्य रूलर 1700 उसको डिफीट किया था, ठीक है। तो इनमें आपस में क्या चलता है, स्ट्रगल चलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सेवंथ किंग विक्रमादित्य, इन्होंने कांची को ऑक्यूपाइड कर लिया, कांची आपको पता है पल्लवों की कैपिटल हुआ करती थी, और इन्होंने एक बहुत ही फेमस पोइट थे जिसका नाम था विल्हन को इन्होंने क्या किया था, प्रोटेक्शन दी थी और पेट्रोनेज दी थी, ठीक है। विल्हन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था विक्रमांक देव चरिता, ये विक्रमादित्य की लाइफ पर आधारित थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, नाम से ही पता चल रहा है, विक्रमादित्य ने जब इनको शरण दी या अपने मतलब प्रोटेक्शन दी थी बिलहन को अपने कोर्ट में रखा, तो इन्होंने भी इनकी मतलब एक लाइफ पर एक किताब लिख दी जिसका नाम था विक्रमांक
देवचरिता, विक्रमांक देवचरिता, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, इनके टाइम पर आर्ट एंड कल्चर, तो ये हिंदू रूलर हुआ करते थे, आपको बताइए, सारे के सारे जो चालुक्य रूलर थे हिंदू रूलर थे, फिर भी इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रति भी एक टॉलरेंट थे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करते थे, बाकी धर्म का भी क्या करते थे, आदर करते थे। इनके टाइम पर एक फेमस जूरिस्ट थे, फेमस लॉयर थे जो लॉ की जानकारी रखते हैं, जिनका नाम था विजनेश्वर, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था मितासार जो भी आप कहो, मितासार बुक को लिखा था किसने, विजनेश्वर ने, जो कि कहाँ पर रहते थे, चालुक्याज ऑफ कल्याणी के दरबार में, या चालुक्याज ऑफ कल्याणी के टाइम पर कल्याणी में रहते थे, ठीक है। मितासार जो बुक है इसको मितासार इज रिगार्डेड एज एन ऑफिशियल बुक ऑफ हिंदू लॉज की जो ऑफिशियल बुक के नाम से जाना जाता है किसको, मितासार को। इन्होंने कई सारे टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन किया था। तो इसके बाद हमारी ये डायनेस्टी भी ओवर हो जाती है, और आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।